नेशनल एजुकेशन सोसाइटी गोरखपुर द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से निकाली जाएगी। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर सोमवार को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रेस वार्ता कर सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं संचालित महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की 50वीं जयंती होने पर इस वर्ष इसकी अत्यंत भव्य रूप से प्रभात फेरी निकालने की योजना बनाई गई है। इस अवसर पर गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना करेंगे। इस मौके पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह एवं अध्यापक गण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आप सभी अवगत हैं कि 2 अक्टूबर 2019 का दिन इस वर्ष हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पे वर्ष 2011 से हम लोग 2 अक्टूबर के दिन प्रभात फेरी हमारे विद्यालय की निकलती है, लेकिन इस वर्ष हम लोग विशेष रूप से एक नया परिपथ हम लोगों ने ऑप्ट किया है। कॉलेज से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से निकलकर हम बैंक रोड, टाउन हॉल, घोष कंपनी, नखास, बक्सीपुर होते हुए हम वापस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज आएंगे। लगभग 4 किलोमीटर की यह दूरी हम तय करेंगे। इस बीच में हम यात्रा के दौरान अपना एक मानव श्रृंखला का भी हमारे छात्र निर्माण करेंगे और इस प्रभात फेरी के साथ जो झांकी इस बार है वो एक भाषा एक राष्ट्र के मुद्दे पर, जो गांधी जी का स्वप्न था, जल संरक्षण के ऊपर, सिंगल यूज प्लास्टिक जो 2 अक्टूबर से लॉन्च हो रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस पर उसको भी हम लोगों ने झांकी में अपने सम्मिलित किया है कि आज के समय में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक के रूप में सामने आ रही है पर्यावरण के लिए, तो उसका भी हम लोग विरोध के रूप में बच्चों के सामने माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है कि नगर में हमारी यह प्रस्तुति एक मैसेज देगी गांधी जी के विचारों के लिए, क्योंकि गांधी सर्वकालिक हैं और वो हमेशा प्रासंगिक हैं। मैं मंकेश्वर नाथ पांडे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के रूप में मैं प्रेस वार्ता ये कर रहा हूँ। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रोटरी सिंगर सिलाई केंद्र, इन सभी संस्थाओं के बच्चे इसमें होंगे। लगभग 4000 के ऊपर बच्चे इस प्रभात फेरी में नगर में अपना भ्रमण करेंगे।